ये जो NWS का कार्यक्रम हुआ है ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा है। इसमें पुलिस और जनता के बीच में बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है और मैं चाहूँगा एज ए RW एग्जीक्यूटिव ये टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ेगा। तो हमारी यही इच्छा है कि DCP साहब फिर दोबारा आएँ पॉकेट में। तो आप क्या लगता है इससे सुरक्षा बढ़ेगी आपके सोसाइटी? आई थिंक इससे अवेयरनेस तो बढ़ेगी और सुरक्षा पे भी इस पर फ़र्क पड़ सकता है, जैसा मेरा मानना है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल ठीक बात है सर, इससे सुरक्षा में बड़ा इफेक्ट आएगा और लोगों को जब सुरक्षा के बारे में पता लगेगा कि हाँ भाई ये पुलिस जो कार्यक्रम कर रही है या जो सिक्योरिटी के लिए हमें बताती है कि इस जगह पर हम लोग ये पुलिस बूथ लगाने की जैसे उन्होंने बात की है यहाँ पर, तो उससे ये है कि सिक्योरिटी में बड़ा इम्पैक्ट आएगा। जो अनसोशल एलिमेंट हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मतलब गाड़ी में बैठ के दारू पी रहे हैं, लेडीज़ आ रही हैं जा रही हैं उनको देख रहे हैं, छेड़ रहे हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ और गलत हो जाए, इन एरियाज़ में जहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती अब वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग होगी, तो इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा सिक्योरिटी पे और लोगों में अवेयरनेस आएगी, पुलिस के साथ और जनता के बीच में एक समन्वय बनेगा जिससे कि इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो, आने वाला समय अच्छा हो। सर कई बार ऐसा देखते हैं पुलिस बूथ में भी पुलिस होती नहीं है, कई बार हुआ है। सर तो देखिए, क्या आपको लगता है इसमें ये फैक्ट है कि जैसे ACP साहब ने बताया कि द्वारका जो है अभी अपकमिंग एरिया है, 2002 के बाद से पॉपुलेशन यहाँ शिफ्ट होनी शुरू हुई। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस की जो फोर्स उन्होंने बताई अपनी, इंक्लूडिंग हायर लेवल ऑफिसर्स 402, और जो पार्क हैं 350 पार्क हैं, और सोसाइटीज़ और DDA फ्लैट्स को लगा के भी करीबन 400-450 के बीच की रेंज बनती है। तो कंप्लीट स्ट्रेंथ जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट को मेट नहीं कर पाती। तो ऐसा ज़रूर है कि जैसे 15,000 पे एक आदमी पुलिस का है, पुलिस स्ट्रेंथ भी आने वाले टाइम में बढ़ेगी, लेकिन देखिए आदमी कोशिश कर सकता है। जो उन्होंने आज प्लानिंग की कि भाई आप अपनी सोसाइटी से एक गार्ड हमें प्रोवाइड करें सो दैट कि हम उसका राउंड लिया जाए, पुलिस के साथ में गार्ड घूमेगा तो लोगों को ये लगेगा कि गार्ड भी जो है पुलिस का ही आदमी है, उससे इम्पैक्ट ज़रूर आएगा और लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी। एंटी सोशल एलिमेंट उस गार्ड को देख के भी डरेंगे। आप देखिए सिंपल कि जब पुलिस वाला रेड लाइट पर खड़ा हुआ होता है कोई भी आदमी कोशिश नहीं करता कि हम रेड लाइट जंप करें, ठीक है, और अगर पुलिस वाला नहीं है और रेड लाइट ख़राब हो जाए तो दिल्ली में हर आदमी जानवर बन जाता है। जो 10 मिनट का सफ़र होता है वो 1.5 घंटे का बन जाता है। तो ये अवेयरनेस लोगों में आनी बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी हद तक हम लोगों को भी पुलिसिंग अपने आप ही करनी पड़ेगी। अगर वो चीज़ करने लग गए तो आप ये मान के चलिएगा कि ये स्वर्ग हो जाएगा।